हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर प्रेम डालवन। हियर वी लर्न दैट लर्निंग इज शेयरिंग। सो टुडे वी लर्न दैट हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स फर्स्टली डू इट दैट हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स डू इट। सो जो Fe है, तो आपको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि कैसे करना है। सो यहाँ पे सिंपल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने LHS और RHS लिख दिया है। तो पहले हम सारे सबकी वैल्यूज लिख देंगे, जैसे कि Fe की वैल्यू है 1 और H की वैल्यू है 2, O की वैल्यू है 1, ओके। और RHS में भी हम ऐसे ही लिखा कर देंगे, Fe की वैल्यू है 3, O की वैल्यू जो है वो है 4 और H की वैल्यू जो है वो 2 है। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो Fe है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो ये जो 1 है, इसको हमें 3 बनाना है। तो कैसे करेंगे, जहाँ पे Fe है तो यहाँ पे हम इसके आगे 3 लगा देंगे, तो हो गया ये बैलेंस। Fe बैलेंस हो गया। अब H को देख लीजिए, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो पहले से ही बैलेंस है। यहाँ पे O 1 है और यहाँ पे O 4 है, तो यहाँ पे इसको 4 बनाना है। तो कैसे करेंगे, इसकी जगह पे भी हम 4 कर देंगे, यानी कि ये जो 4 है इसकी जगह हमको क्या करना है, 4 करना है। तो कैसे करेंगे, 4 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये जो H है, ये 4 टू ज़ा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को भी 6 बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी 6 बना देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 लगा देंगे तो 4 टू ज़ा 6। अब मैं होप करता हूँ कि ये जो सम है वो आपको इजी लगा होगा, ये जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आप सबको आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।